बेबी हैप्पी कैसे कह रहा है बेबी? अपनी कहाँ जा रही? कहाँ जा रही हो? नूर का हैप्पी न्यू ईयर है भाई, फर्स्ट हैप्पी न्यू ईयर है नूर का। हैप्पी न्यू ईयर है इनको, बस यही समझ में आता है रोना। मम्मी की प्यारी बेटी, मम्मी के साथ ले ली, नहीं नहीं प्यारी बेटी के साथ। इससे अच्छा 31 का कोई प्लान नहीं हो सकता। और क्या, बिल्कुल। एक दो तीन चार। क्या कर रहे थे ये भैया? ये क्या कर रहे थे? केक फेंट रहे थे। पूरा टाइम इतना ही चल रहा है। अरे भतीजे आई हो, अपना लड़का हटा दिए। तुम कमा के लाना, ज्यादा देना। तुम्हारी फूफी जब देने का नंबर आया तो जब दे रहे। अरे प्लीज इस बार एक नई रीत लिखना, बिना रोए जाना प्लीज। रोक शेकू भाई, रोक जाएंगे। हां शेकू भाई रोक, रोक जाओ इस बार। अंदर से रो रहे हैं, कुछ नहीं। थोड़ा सुकून मिले, टाइम रूटीन वापस आए। आओ सब लोग आओ। रिश्ते ने बुआ ही, चाची ये भी चाची और हमदान रहा ना, ये बड़ी अम्मी। लो ये पापा। क्या बोलना है? हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। लो क्या आ रहे, सब आ रहे अब। चलो भाई 2023 में फोटो ले ली, अब कल 2024। बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर। वादा नहीं पूरा किया तुम लोगों ने अपने। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चलो चलो, रो के नहीं जा रहे, लेकिन हम अंदर से रो रहे हैं। तुमको बता तो रहे, मैं रो रही हूं आपकी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। अंदर से रो रहे हैं हम, बता तो रहे हैं। 2024। अच्छा सही से बताएं, दिल तो बैठ गया वापस जाने के लिए। वाकई में सुल्तानपुर से रो के आए इस बार हम लोग, ये रो के आए हैं। नेक्स्ट ईयर बट मैं आप लोग को एक्सपेक्ट कर रही हूं, टाइम पे, चाहे टाइम पे हो। दिसंबर प्रेफरेबल रहता है। हां चल, चलो अल्लाह हाफिज़। गिरा दिया ना पानी, गिरा दिया ना। ऐसे कर दो, ऐसे करो, पहले ऐसे कर दो प्लीज, ऐसे कर दो। हाँ न्यू न्यू कोयल, हैप्पी न्यू कोयल। हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू ईयर। या से हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू ईयर। Happy New Year! Appa is gone. शाम को 3:30 बजे and तब से I haven't vlogged anything because I'm little unwell today and you can literally see my eyes, but my brother is giving है शाकिब, he is studying. Even I can't say ki chill 31st night because obviously I'm not well, but abhi main thoda uth ke baithi hu and I'm just waiting ki kuch khaya jaye to kuch better feel kiya jaye, to let's see what we'll have. I okay Shakib, so this is our 31st plan. खुद के लिए पिकिंग सूप मंगाया और बाकी सबको खिलाने के लिए पनीर मंगाया है। क्या मंगाया? पनीर। बाकी सबको खिलाने के लिए पनीर नूडल्स मंगाया है। और ये पार्टी फॉर टू है, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी पार्टी फॉर टू बिकॉज इट हैव अ लॉट ऑफ क्वांटिटी। वो मनचाओ ना, मनचाओ ही तो बोलते, क्या बोलते भैया? दो ना, सब कुछ चाहिए। भाग रहे हो भैया? भाग नहीं, ये भाभी पास जा रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, ये लोग भाभी पास जा रहे हैं। बताया मैंने क्वांटिटी फॉर टू, आज वो खिचड़ी होगी ना, तो ये पेट खराब होगा। वहाँ भाभी तो खिचड़ी खाने वाली थी भैया, हम लोग ऊपर ही चलूंगा। नहीं भाभी पेट खराब, भाभी खिचड़ी खान। बाय। सो दिस इज आवर
perfect New Year plan, having soup in bed. बिकॉज आज मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, और एकदम से मन किया, और इसके साथ मैंने इन लोग के लिए नूडल्स मंगा दिए, तो ये पार्टी हो गई है पूरी। साकिब भाई पार्टी हो गई है, हुई है कि नहीं? पार्टी कर रहे हैं, हुई कहाँ है? अभी शुरू हुई है पार्टी। क्या कहना चाहते हैं? कहना हम ये चाह रहे हैं तुम आराम से रेस्ट करो बस, और कुछ नहीं। दो दिन नो वर्क, ओनली रेस्ट, ओनली रेस्ट। व्हाट अ न्यू ईयर साकिब, व्हाट अ न्यू ईयर, व्हाट अ न्यू ईयर। टीका लगवाने तो दिन डॉक्टर साहब के पास गया था, उनके घर में वो सेटअप था। अच्छा देख रहे हैं, लगे क्या लगा है? किसको किसको लगी है तू? किसको लगी है? अब्बी को, अब्बी को लगी है। अब्बी कहाँ है? अब्बी कहाँ है? बंदर बंदर बंदर, आओ क्या कर, आओ इसे क्या कर, अच्छा बंदर 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 वश कर लो कौन भैया दा 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 यशोदा वॉज ऑल्सो हेयर टू मीट मी, तो यहाँ पे आई वॉज ट्राइंग टू कैप्चर यूसुफ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो पहली बार घर आया। मत डालना, मार देंगे तुमको। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं सोची थी भाई ये आपको किसी बीमार को मिलने जाना हो, फालतू में आप इतने पैसे खर्चा करते हैं। मैं जूस लाई हूँ। इसको मैंने ही परसों आइडिया दिया था, आप सिर्फ ये 10 रुपए लेके चले जाए, मेरे को नहीं उसको। ये इन जैसे लोगों से गाइड ले, आप 10 रुपए ले ले, और अच्छे लोग ऐसे होते हैं। ये मैंने ही आइडिया दिया था शांति को, जूस लाते हैं, मैंने कहा था चॉकलेट लाते हैं, एक लोग ऐसे। मैंने सोचा था कि मैं साहिबा को फ्रेश जूस पिलाऊंगी, ये मैं सोच के आई थी। 10 रुपए में? नहीं, ये तो मैं तुम्हारी नजर उतार के दे रही हूँ। वो भी मेरा नहीं, नजर उतार के दे रही, किसी गरीब को देना। हम बोलो बुआ, बोलो बुआ कर दो, बुआ जूस देगी। ओके एवरीवन, दिस इज 13th of January एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी माशाल्लाह एकदम बैक टू लाइक साहिबा खान हो गई है, जैसे ओल्ड साहिबा खान वाली। तो ऑन 31st January आई मेड द व्लॉग वेयर एवरीवन वाज हियर, शेकू भाई, शाद मप्पी, जिशान भाई एंड साई मप्पी, एवरीवन वाज हियर बिकॉज अप्पी वाज लीविंग ऑन दैट डे। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी मेरी उस दिन तबीयत ख़राब हो गई, बट वो तबीयत थोड़ी नहीं ख़राब हुई, फिर वो एक्सटेंड होती ही चली गई, एंड देन आई हैड इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से काफ़ी लंबा टाइम खींच गया। इट्स बिन मोर देन 10 to 11 days जहाँ पे इट वॉज लाइक ऊपर नीचे तबीयत ऐसी चल रही थी। इस वजह से वैसे कुछ कोई ब्लॉगिंग कुछ भी नहीं हुई, फिर अभी फाइनली आई एम फीलिंग मच 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 बेटर, तबीयत भी काफ़ी ठीक है। न्यू ईयर्स वॉज नॉट लाइक न्यू ईयर दिस ईयर, न्यू ईयर पे बस मैं ऐसे ही लेटी रही हूँ। इवन न्यू ईयर के दिन आई वेंट टू द डॉक्टर, ऐसा वाला पूरा सीन रहा है। तो कुछ न्यू ईयर वेयर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। बाकी अंदान वॉज अ एंटरटेनर थ्रू आउट द टाइम, साकिब वॉज द एंटरटेनर थ्रू आउट द टाइम, सो थैंक यू फॉर देम। एंड फिर अभी 2 दिन पहले किट्टू शानवी भी आए थे मिलने, तो फिर वो थोड़ा चेयर अप हुई हूँ मैं सबसे मिल विल के। And yes, I am feeling much better. Obviously, not
100% बेटर, बट काफ़ी तबीयत ठीक है, अभी शायद 4-5 दिन और लगे चीज़ों को और वो करने में, बिकॉज इन्फेक्शन है तो थोड़ा टाइम लगता है, बट आई एम हैप्पी कि मैं उठ के बैठ गई हूँ, बिकॉज बहुत कुछ करना है अभी तो मुझे, काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाने हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करनी हैं, सो ठीक तो होना पड़ेगा क्योंकि अब इस बार लंबा गैप नहीं लेना है। तो बस लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस वाले व्लॉग को जितना मैं बना पाई, मैंने बनाया है 31st का बनाया, उस दिन डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह लगाने आए थे तो हमदान का फेस का रिएक्शन मैंने लिया है, बिकॉज मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, बट हमदान का डर ख़त्म हो गया था, उसका रिएक्शन देखने में बहुत क्यूट लगता था। उसके बाद दिन यशा शायद आप सब लोग आए थे तो उस दिन भी मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी, फिर किटू शान भी आए थे तो थोड़ी सी ली, तो बस मैंने थोड़ी थोड़ी करके लिया बिकॉज उससे ज़्यादा हिम्मत भी नहीं थी, और ऑब्वियसली स्टमक एक था तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो बस अब यहाँ पे मैं इस व्लॉग को कर रही हूँ ख़त्म, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड अब से रेगुलर व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह।